अस्सलाम वालेकुम। आज हम शेयर कर रहे हैं कढ़ाई कीमा रेसिपी। कढ़ाई कीमा एक पॉपुलर रेसिपी है, लेकिन आज हम इसको एक नए अंदाज़ में बना रहे हैं। तो कैसे बनाया है, चलिए शुरू करते हैं। 2 तेजपात, 4 लाल मिर्च, 1 स्टार एनिस, 7-8 काली मिर्च, 2-3 लौंग, 1 इंच सिनेमन स्टिक, 4 हरी मिर्च, 1 मुट्ठी हरा धनिया, 2 बड़े साइज़ के प्याज, 100 ग्राम दही, 1/2 किलो कीमा जो हमने वॉश करके रखा है। आप सारे इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। कढ़ाई में सबसे पहले 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लिया है। ऑयल गर्म होने के बाद उसमें बारीक कटी हुई प्याज़ें ऐड करेंगे। अनियन को पिंक होने तक फ्राई करना है। ध्यान रहे कि ब्राउन, गोल्डन ब्राउन या ब्राउन ना हो जाए, तो स्लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। ये कढ़ाई हम आज फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। अनियंस को हमें 4-5 मिनट तक फ्राई कर लेना है। जैसे इसका कलर पिंक हो जाता है तभी हम बाकी चीज़ें ऐड करते जाएंगे। इसका कलर हल्का सा ही चेंज हुआ है, इसमें सूखे मसाले ऐड कर देंगे। ऑयल में सूखे मसाले ऐड करने से उनकी खुशबू और बढ़ जाती है, तो इसलिए हम स्टार्टिंग में ही मसाले ऐड कर देते हैं। अनियंस का कलर पिंक हो चुका है, अब इसमें हम कीमा ऐड करेंगे। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, तो हमने कीमा यहाँ पर मशीन का कुटा हुआ लिया है। आप इस तरह से चाहें तो मोटा कीमा भी बना सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा पकने में टाइम लग जाता है। कीमे को अनियंस के साथ कुछ देर फ्राई करना है, तो इसलिए हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके इस वीडियो को वायरल करने में हमारी मदद करें। आप देख सकते हैं पहले के मुकाबले इसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है। फ्लेम हमने स्लो किया है। प्रॉपरली फ्राई होने तक इसको चलाते रहेंगे। कीमे को हमें 5 से 7 मिनट तक फ्राई करना है। अब लिड लगाकर इसको ढककर 10 मिनट तक पकाएंगे। जब तक कीमा पक रहा है तब तक हरा धनिया और हरी मिर्च का पेस्ट बना लेंगे। जार में हमने सिर्फ हरे धनिया की पत्तियां ली है और मिर्च भी साथ में ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स कीमे में हम अलग से कोई भी मिर्च ऐड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमने लाल मिर्च, हरी मिर्च और हरा धनिया इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट है। हरा धनिया से ही इस रेसिपी में ग्रीन लुक आएगा और मिर्च से कीमे में तीखापन आने वाला है। कीमे को 10 मिनट हो चुके हैं, पेस्ट भी हमारा बनकर तैयार है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं कोरिएंडर पाउडर। 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर ऐड किया है, 1/2 टीस्पून सिनेमन स्टिक पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 जो रेड चिलीज हमने कट की थी वो भी हम डाल रहे हैं। रेड चिलीज हमने ड्राई ली हैं, आप इसकी जगह कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अब इसमें दही भी ऐड कर देते हैं जो हमने पहले ही फैट कर रख ली थी। 1/2 टीस्पून या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करेंगे। प्रॉपरली मिक्स कर लेना है, क्योंकि हमने सारे सूखे मसाले डाले हैं तो मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद क्या आपको अच्छा लगा और क्या हमसे कमी रह गई, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं, अब जो हमने पेस्ट बनाया है वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं, जिससे इसका कलर और टेस्ट दोनों ही चेंज हो जाएगा। कीमा आपने पहले भी कई तरीके से बनाया होगा, एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। हमने भी ऑलरेडी 2 तरह का कढ़ाई कीमा अपने चैनल पर अपलोड किया है, आप चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया है, चाहें तो क्लिक करके देख सकते हैं। लिड लगाकर 5 से 7 मिनट तक पकने देते हैं। सारा ऑयल कीमे ने रिलीज़ कर दिया है, जो पानी है वो भी खुश्क हो गया है। थोड़ा सा हम तीखा पसंद करते हैं तो इसलिए हम इसमें ग्रीन चिलीज ऐड कर रहे हैं, आप चाहें तो स्किप करें। कीमा हमारा लगभग बनकर तैयार है, तो 2-3 मिनट के लिए एक बार लिड लगाकर फिर छोड़ देते हैं, ताकि जो हरी मिर्च हमने ऐड की है उसका कच्चापन ना रहे। तो कढ़ाई कीमा हमारा बनकर एकदम रेडी है।
आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।